देश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया। पीएम ने इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात की। ANI को दिए इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी का आइडिया था। वे कहते हैं कि राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया था। और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी, ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी। तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी, तो इसकी इसमें नाम क्यों छुपे थे जी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी, तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था जी? किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया जी? जब ये डेटा मांगा गया जी, उसको भी किसने रोका जी? क्लियर सी बात है जी, ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है जी। इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है जी। हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कॉन्सेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी, मुझसे नहीं पूछते जी, आप किसी किसी भी सीईओ से जाकर पूछिए, वो आपको बता देगा, वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है जी, इनके कौन से लीडर फोन करते हैं बता देगा, मुझसे क्या पूछते हैं।